समस्त प्रभु जीशु नाम आंतरिक नमस्कार बंधुगण आज भिडियो आम देखा ईश्वर केतोटी नाम रही ईश्वर विभिन्न नाम अर्थ अलग अलग अटे परमेश्वर सामर्थ्य गुण और चरित्र को ईश्वर नाम गुड़िक भिन्न भिन्न अटे तेज चलतु आम देखा परमेश्वर के गुण गुड़ी पाई क्यों नाम दिया जाए परमेश्वर यही नाम गुड़ी को मनीष कदापि देना परमेश्वर गुण सामर्थ्य और चरित्र अनुसार परमेश्वर ही परमेश्वर नाम दे चल तो देख प्रथम प्रथम हूँ जिहोवा जिहोवा हूँ परमेश्वर नाम एक सर्वोच्च नाम अटे अनंत स्वयं स्थापित एवं ईश्वर अपरिवर्तनीय गुण को वर्णना करमेश्वर सर्वभौम आउ दैविक विषय को उपस्थापन करमेश्वर निजर सृष्ट एवं लोक मान सहित जड़ित अटंती एवं द्वितीय द्वितीय हूँ एल एलो यह शब्दर अर्थ हूँ ईश्वर शक्तिशाली बलवान एवं प्रमुख अटंती पढ़ु निहिमिया नौ पर्वर सतर पद गीत संहिता शहे अणचाश पर्वर उन्नीस पद एठार यहपर लिखा जाए प्रथम पढ़वा निहिमिया तार नौ पर्वर सतर पद गीत संहिता शहे अणचाश रनीश पद एठार यहपर लिखा जाए हे परमेश्वर तुम निश्चय दुष्ट मान को बध कर ये तो हे रक्त पिपासु लोक मैंने तुम्हें माने मो निकटर दूर हुआ यही हिब्रू शब्द एल रो अर्थ हूँ शक्ति बलवान शब्द अर्थ को आपण पाई आदि पुस्तक एक पर्व अणतीश पद एल शब्द मध्य अन्य क्वालिटी सहित जड़ित अटे जेपरिक अखंडता गणना पुस्तक तार तेईस पर्व उन्नीस पद स्व गौरव रक्षण उद्योगी परमेश्वर द्वितीय बरण पांच पर्व नौ पद एवं सहनशील निहिमिया नौ पर्व एक पद कि मूल विषय हूँ बलवान एवं तृतीय तृतीय हूँ एलोहिम यार अर्थ परमेश्वर सृष्टिकर्ता अटंती शक्तियुक्त अटंती पढ़ु आदि पुस्तक सतर पर्व सात पद एठार यहपर लिखा जाए आम्भे तुम सहित और तुम भविष्य वंश परंपरा सहित जो नियम स्थिर कलु ता अनंत काल स्थायी हेब तहीं आम्भे तुम्हर और तुम भविष्य वंशर परमेश्वर हवा जिरीमिय एकतीस पर्व तेतीस पद एठार यहपर लिखा जाए मात्र सदाप्रभु कहते से सकल दिन उतारे आम इस्राएल वंश सहित यह नियम स्थिर करवा आम से अंतर आम व्यवस्था रखा और से हृदय आम लिखा और आम्भे से परमेश्वर हवा और से आमर लोक हे एल शब्द बहुवचन अटे अर्थात यह तृतीय परमेश्वर को बुझाए जहाँ पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा परमेश्वर अटंते तृतीय तृतीय हूँ एल साडाई यार अर्थ परमेश्वर सर्वशक्तिमान अटंती पढ़ु आदि पुस्तक अणचाश पर्व तार चबीस पद एठार यहपर लिखा जाए मात्र तहार धन दृढ़ हो रहा पुणी जे जाकुबर बलदाता तई सकाश इस्राएल पालक और शय बोली विख्यात गीत संहिता शहे बतीस पर्व दुई पद एवं पांच पद एठार यहपर लिखा जाए से कि प्रकार सदाप्रभु निकट शपथ कला आ जाकुबर बलदाता निकट मानत करी कहला पांच पद मु आपना चक्षु को निद्रा देवी ना अब आपना चक्षु पता को घुमेवा को देवी ना।
ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଏଡୋନାଇ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଦିପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ 2 ପଦ। ଏହି ଏଡୋନାଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। ଆଦିପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ 2 ପଦ ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ଉତ୍ତର କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବ? ମୁଁ ତ ନିସନ୍ତାନ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଦମେଶକୀୟ ଇଲିଏଜର ମୋ ଗୃହର ଧନାଧିକାରୀ ଅଟେ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 6 ପର୍ବର 15 ପଦ ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତାର 6 ପର୍ବର 15 ପଦ, ତ ସେ ତାହା କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କାହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି? ଦେଖ ମନସି ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ମୋହର ପରିବାର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୀଣ, ପୁଣି ମୋ ପିତୃଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ କନିଷ୍ଠ। ଏହି ଏଡୋନାଇ ଶବ୍ଦଟି ୟାହୁଏ ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, YHWH। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଏଡୋନାଇ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ଜିହୋବାଜିରି। ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗାଇବେ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବର ତାର 14 ପଦ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଅବ୍ରାହ୍ମ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଜିହୋବାଜିରି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ ରଖିଲେ। ଏଣୁକରି ଆଜି ଯାଏ ଲୋକେ କହନ୍ତି, ପର୍ବତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ। ଷଷ୍ଠ ଜିହୋବାରାଫା। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 15 ପର୍ବ ତାର 26 ପଦ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ଯେବେ ଆପଣା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉଚିତ ତାହା କର, ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ, ଓ ତାହାଙ୍କ ବିଧି ସମସ୍ତ ପାଳନ କର, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ସବୁ ରୋଗ ଭୋଗ କରାଇଲୁ, ତାହା ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଜିହୋବାନିସି। ଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ଧ୍ୱଜା। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବର 15 ପଦ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତହିଁରେ ମଶା ଗୋଟିଏ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁର ନାମ ଜିହୋବାନିସି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଧ୍ୱଜା ରଖିଲେ। ଅଷ୍ଟମ ଜିହୋବା ମେକାଦେଶ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ପରିଷ୍କୃତ କରନ୍ତି। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଲେବିୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 20 ପର୍ବର 8 ପଦ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆହୁରି ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭର ବିଧି ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବ, ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଜିହିଜିକଲ 37 ପର୍ବର 28 ପଦ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭର ଧର୍ମଧାମ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦାକାଳ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ପବିତ୍ରକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନେ ଜାଣିବେ। ଏବଂ ନବମ ଜିହୋବା ଶାଲମ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର ଶାନ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ପଢ଼ନ୍ତୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 6 ପର୍ବର 24 ପଦ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତହୁ ଗିଦିଓନ ସେଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ତହିଁର ନାମ ଜିହୋବା ଶାଲମ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ରୂପକ ରଖିଲେ। ତା ଅବିଏସ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଆଫ୍ରାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଦଶମ ଜିହୋବା ଏଲୋହିମ୍। ଏ ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବର 4 ପଦ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସୃଷ୍ଟି କାଳରେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀର ବିବରଣ ଏହି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଏବଂ ଏକାଦଶ ଜିହୋବା ସିର୍କେନ୍। ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଧାର୍ମିକତା ଅଟନ୍ତି। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଜିରିମିୟ ତାର 33 ପର୍ବର 16 ପଦ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେ ସକଳ ଦିନରେ ଜିହୁଦା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ,
और जेरुसालम निरापदर बास करि और सदा प्रभु आमानकर धर्म यही नाम से विख्यात हब आज पढ़ु द्वितीय करंथियो तार पांच पर्व एक पद जहाँ पापर लेश मात्र नथिला तांको से आमान को निमंते पाप स्वरूप कले जेपरि आम मैंने ताहांको द्वारा ईश्वर धार्मिकता स्वरूप हो द्वादश जिहोवा रही शब्दर अर्थ हूँ परमेश्वर आमर मेषपाल पढ़ु गीत संहिता तेईस पर्व एक पद लिखा जाए सदा प्रभु मोर प्रतिपालक मोर अभाव भाव ना त्रयोदश जिहोवा सामा ए शब्दर अर्थ हूँ परमेश्वर सेठार अच्छा पढ़ु जी जिकल अड़चाश पर्व पैंतीस पद एठार एपर लिखा जाए चतुर्दिग अठर हजार नल परिमित हम और सदा प्रभु तहि विद्यमान से ही दिन नगर रही नाम हम चतुर्दश जिहोवा साबत ए शब्दर अर्थ हूँ परमेश्वर मोहर सेना अटंत पढ़ु जिसाए तार एक पर्व चबीश पद एठार एपर लिखा जाए येतु प्रभु सन्याधिपति सदा प्रभु इस्राएल बलदाता अटंते आह आंभे अपना विपक्ष गण विषय आराम पाइबा ओ आंभे अपना शत्रु गण ठारु परिशोध नबा पंचदश एल एलियट ए शब्दर अर्थ हूँ परमेश्वर सर्वोच्च अटंते पढ़ु द्वितीय विवरण छबिश पर्व उन्नीस पद एठार एपर लिखा जाए उन्नीस तुमको प्रशंसा रे ओ नाम रे ओ सम्मान रे अपनार सृष्ट समस्त देशीय लोक अपेक्षा श्रेष्ठ करिवे आ तुम्हें ताहांको वाक्यानुसार सदा प्रभु तुम परमेश्वर को उद्देश्य रे पवित्र लोक हब षोडश एल रोई ए शब्दर अर्थ हूँ परमेश्वर देखते आदि पुस्तक षोल पर्व तेर पद एठार एपर लिखा जाए आ हागर आपना सहित कथबार्ता कर परमेश्वर को यही नाम रखिला तथा मदर्शक परमेश्वर हे परमेश्वर तुम्हें मत देखुअ जेहेतु से कहला जे मत देखते दर्शन उतारे मुठार आहरी बंची सप्तश एल ओलाम ये शब्दर अर्थ हूँ अक्षय परमेश्वर पढ़ु गीत संहिता तार नबे एक रुतेन एठार एपर लिखा जाए हे प्रभु तुम्हें पुरुषानुक्रम आमानकर बासस्थान दुई पद पर्वत गणर उत्पत्तिर और तुम्भ द्वारा पृथ्वी और जगतर सृष्टिर पूर्व ठारु अनाधिकालर अनंत काल पर्यंत तुम्हें परमेश्वर एवं तीन पद तुम्हें मर्त्य को धूलि लीन करुअछ पुणी कहुअछ हे मनुष्य संतान गण फेर एवं अष्टादश एल गिभ यार अर्थ हूँ शक्तियुक्त ईश्वर पढ़ु जिसाय तार नौ पर्व छपद एठार एपरी लिखा जाए कारण आमान को निमंते एक बालक जन्मी अच्छा आमान को एक पुत्र दत्त हो स्कंदर कर्तृत हबार थर नाम आश्चर्य मंत्री परागनत परमेश्वर अनंत कालीन पिता शांति राजा हब यह प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ही प्रदर्शित करिथाय तबे बंधुगण ये थेला परमेश्वर को नाम एवं तार अर्थ मुझेपरि आपन कहिथिलि परमेश्वर को नाम अनुसारे ताहांकर कार्यगुड़िक मध्य गुणगुड़िक मध्य अलग अलग होइथाय तनु समस्त को आंतरिक नमस्कार पुनी देखाबो आपन को सहित आउ गे वीडियो रे आउ अध्याय आउ आगामी अध्याय मध्य आमी माने अनेक गुरुत्वपूर्ण विषय आम आलोचना कर समस्त मोर आंतरिक नमस्कार।